हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पोगो क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट यूएस सब्जेक्ट ऑफ क्लास 4 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नेम इज टीथ। देयर एक्सरसाइज सो दैट सी ओरल क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द टीथ विच फॉल्स इन चाइल्डहुड? बचपन में जो दांत होते हैं ना, दूध के दांत, वो बचपन में जो दांत उगते हैं उसको क्या कहते हैं ना, जो गिरते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा द टीथ विच फॉल्स इन चाइल्डहुड कॉल्ड मिल्क टीथ एंड टेम्पररी टीथ, जिसको क्या बोलते हैं, दूध के दांत या अस्थाई दांत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, बाई वॉट एज डू द टेम्पोरेरी टीथ जनरली फॉल? कौन से एज में आपके जो अस्थायी दांत है ना, टेम्पोरेरी टीथ है, वो जनरली गिरते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बाई द एज ऑफ 12 to 13 द टेम्पोरेरी टीथ जनरली फॉल। 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो आपके अस्थायी दांत है वो सामान्यतः गिरते हैं। आपका रिटर्न क्वेश्चन है, बाई वॉट एज डू द परमानेंट टीथ स्टार्टेड ग्रोइंग? कौन से उम्र में आपके जो स्थायी दांत है उगना शुरू होते हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा द परमानेंट टीथ स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 13। आपका जो स्थायी दांत है वो 12 से 13 वर्ष की उम्र में उगना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पार्ट ऑफ द माउथ इज टच व्हाइल प्रोनाउंसिंग टा और था? जब आप त और ठ का उच्चारण करते हैं तो आपके माउथ का कौन सा पार्ट टच होता है, पूछा जा रहा है। सो आपका आंसर हो जाएगा टंग टच्ड विथ अपर जा। मतलब आपके माउथ का ऊपरी हिस्सा, दांत है ना, ऊपर वाला जा एंड इंसिजर फ्रंट टीथ दोनों टच होते हैं व्हाइल प्रोनाउंसिंग ट और थ, जब उच्चारण करते हैं तब है। क्वेश्चन 3, व्हाई डू द टीथ रॉट? रॉट मीन्स होता है सड़ना, आपके दांतों में सड़न क्यों हो जाती है? सो आंसर हो जाएगा द कॉसेस ऑफ कैविटीज इज एसिड फ्रॉम बैक्टीरिया, वी डू द टीथ रॉट। कैविटीज मतलब कीटाणु के कारण हमारी जो दांत है उसमें सड़न हो जाती है। एसिड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से जो एसिड निकलता है, अम्ल पदार्थ, उससे हमारा जो दांत है उसमें सड़न हो जाती है। क्वेश्चन 4 है, हाउ मैनी टीथ डू द ग्रोन अप्स हैव? जो वयस्क व्यक्ति है उनके दांत कितने होते हैं उसको पूछा जा रहा है ना। देयर आर 32 टीथ डू द ग्रोन अप्स है। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उसके दोनों जबड़ों में है ना कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं। 5 है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। आपको दांत का प्रकार पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट है इंसिजर, केनाइंस, प्रीमोलर और मोलर, ये आपके दांत के प्रकार है। सो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।